दो, इस बार भी मैं ही जीती। इसका मतलब अब पूरे हफ्ते मैं ही फ्रंट सीट पर बैठूंगी। ये चीटिंग है, मेरे कार्ड में तुम्हारे कार्ड के मुकाबले मुश्किल चीजें ढूंढनी थी। तुम्हारे बहाने हर बार ऐसे ही होते हैं, कोशिश करते रहो, अगली बार भी मैं ही जीतूंगी। तो क्या कहती हो ग्वेन, एक और गेम हो जाए, दो हफ्तों का दाव? तो तुम लगातार दो हफ्तों तक पीछे बैठना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। हाँ बस पहले जरा टॉयलेट से होकर आता हूँ। चलो चैंपियन, अब खेलते हैं। हे, वो देखो, रोस्टेड चिकन। शायद तुम्हारा लक इस बार काम नहीं करेगा। वैसे इस खेल में धीरे धीरे ही मेरी पकड़ मजबूत होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा आखिरी आइटम वो वहाँ है। हंसों का झुंड, ये मेरा लास्ट आइटम था। मैं जीत गया। अरे यार, यहाँ तो मैंने बर्फ का पुतला रखा था, वो जरूर पिघल गया होगा। आहा, कितनी भी चीटिंग करो मुझसे नहीं जीत पाओगे। अब पिछली सीट पर तुम्हारा ही राज होगा। हाँ, मगर सिर्फ दो हफ्तों के लिए, समझी? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें अब एक महीने के लिए पीछे बैठना होगा। ओमनीट्रिक्स चीटिंग के लिए नहीं बना है। कहाँ फंस गया? ओह, उदास क्यों होते हो बेन? एक मौका है तुम्हारे पास, लगा एक और महीने का दाव। ग्वेन, हे, सो गई क्या? अब उठ गई। ग्रैंडपा के खराटे परेशान कर रहे हैं, सो ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँ। ये लो, इसे रखो। टिश्यूज? अब भला इनका मैं क्या करूँगा ग्वेन, छींक छींक के सो जाऊँ क्या? उन्हें अपने कान में डालो बुद्धू। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो वाकई काम कर रहा है। ऐसे खर्राटों से बचने का एक ही इलाज है, चांदनी रात में खुले में सोने का मजा ही कुछ और है। चांदनी रात में बारिश कैसे हो गई? नम नम नम, डीप फ्राइड केचुए। अब और नहीं सहा जाता। अब मैं समझा, अभी ग्रे मैटर बनकर किसी शांत और सुकून भरी जगह जाकर छुप जाता हूँ। अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? चैन और सुकून। हे, ये किसने किया? ओहो, शैक कारपेट, इनके गाने बड़े ही निराले हैं। हाँ, जो समझ में ही नहीं आती। आ, 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 थोड़ा असली म्यूजिक का मजा लो बेन, सुनो तो उस जमाने में कितनी ओरिजिनल धुनें बनती थी। तुम एक स्टेशन भी बदल नहीं सकते बेन। देखा नहीं, ग्रैंडपा ने पकड़ लिया था। ग्रैंडपा से दो थप्पड़ खा लेते पर स्टेशन तो बदलते। अच्छा, तो तुम ही जाकर क्यों नहीं बदलती? मैं तो, हे बेन, क्यों ना तुम अपग्रेड बन जाओ, फिर हम कोई भी स्टेशन सुन सकते हैं। बात में दम है, बस तुम ग्रैंडपा का ध्यान बटाना। वो मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम्हारा इरादा स्टेशन चेंज करने का है ग्वेन, तो फिर भूल जाओ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं बस यहाँ आपके पास बैठने आई थी। ग्रैंडपा, देखिए। क्या है, क्या है वहाँ? वहाँ तो सिर्फ गाय हैं ग्वेन। हाँ, कितनी अच्छी है ना? हाँ। ये तुमने किया? नहीं, मैं कैसे करूंगी, मैं तो बस यहाँ बैठी हूँ। ये क्या हो रहा है?
अब इस रेडियो को क्या बीमारी लग गई? लो कर लो बात, ना भी निकल आए। बेन, तो ये तुम्हारी करतूत थी। चलो अब हमें कम से कम शैक कारपेट को तो नहीं सुनना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा बेन? उनके सभी हिट्स मेरी कैसेट में है। मैं बैकअप लेकर चलता हूँ। ओह देखो बेन, गाय। अरे अरे कोई रोको उसे, मेरा पर्स। कोई तो मुसीबत में है। बेन रुको। हे रुको, भागते कहाँ हो? उसने मेरा पर्स चुरा लिया। मेरा पर्स। शुक्रिया नन्हे मुन्ने, तुम्हारी मम्मी को जरूर तुम पर नाज होगा। नाम तो बताओ। चुप क्यों हो, मुंह में जबान नहीं है? अच्छा अच्छा, माफ कर दो, भूल गई। तुम थक गए होगे, इतना भागे जो हो। इतना फुर्तीला बच्चा पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे तो बहुत घने बाल हैं। एक मिनट ग्रैंडपा, जरा वहाँ देखिए। तुम तो इतने हैंडसम हो कि सभी लड़कियाँ तुम पर जान छिड़केंगी। अब शर्माओ मत, आज के जमाने में तुम जैसे लड़के कम ही होते हैं। अरे नहीं, तुम्हें बिना इनाम के मैं नहीं छोड़ने वाली। इतनी भी क्या जल्दी है? एक मिनट चेक करती हूँ। बस इतना ही है, चलो ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर एक बात का। अरे तुम्हारे हाथ अचानक इतने पतले कैसे हो गए? इससे मुझे भी अपने जवानी के दिनों की याद आ गई। चलो मुझे मार्केट तक ले चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये बात है 1937 की। हम सभी क्लेटा ब्राउन के घर में रहते थे, वो मेरी सहेली थी। चलो हम लंबे रास्ते से चलते है। मुझे माफ कर दो गाइस, लगता है इस बार स्टीम स्माइट जीते। नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ। इस बार जब तुम्हारी वॉच चार्ज हो जाएगी तो सोच समझ कर बदलना। हाँ, मैं स्टीम एक्सेलरेट को रोकने के लिए स्पीड इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसे क्रिस्टल से रोकूंगा। मैं आ रहा हूँ नकली एक्सेलर। गुड, अब लापरवाही मत करना। तुम्हारा मतलब ऐसी लापरवाही? सोलर पैनल्स तोड़ने के लिए बहुत ही खराब टेक्नोलॉजी है। लेकिन पहले तुम्हारी पिटाई होगी स्टीम की नाक वाले। और मुझे पता है ये कौन सा मॉडर्न हीरो करने वाला है। इन पैनल्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वैसे मुझे लगता है कि ये प्रोटोटाइप ऑटोकॉप्टर के लिए सही रहेगा। हे स्टीम ट्रेन, अब ये खाओ। बेकार क्रिस्टल, मुझे भगाना बंद करो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब भी दम है। शाबाश बेन, तुमने सही सोचा और अपनी गंदगी खुद साफ की। मुझे अब सही सोचने की आदत डालनी चाहिए। टेनिसन, मुझे लगा मेरे स्टीम एक्सेलरेट ने तुम्हें अब तक तबाह कर दिया होगा। ओ, शायद तुमने अब तक मेरी कारीगरी नहीं देखी। मेरे स्टीम एलियंस को तबाह करने की तुम्हें सजा मिलेगी। ओ, मतलब तुमने सिर्फ दो ही बनाए? तुम्हें पता है ना मेरे पास 10-10 हैं। सच कहूँ तो मैंने 3 बनाए हैं। तो इस आधुनिक दुनिया को कहो अलविदा और देखो अतीत की असली ताकत को लौटते हुए अपनी आँखों से। अब कौन हंस रहा है? बिल्कुल सही, वो मैं हूँ। शायद अतीत में कोई छोटी चीज बनाता ही नहीं था। और कभी कभी बदमाशों के साथ बेरहम बनना ही पड़ता है। नहीं रुको। Oh!
ये गंदगी तुम्हारे लिए कोई साफ नहीं करेगा बेन, जल्दी सोचो। ठीक है मैं सोच रहा हूँ। ये मेरे जैसा है लेकिन बहुत बड़ा, और अगर मैं ग्रे मैटर का एनर्जी भरा रूप बन गया तो भी काफी बड़ा होगा। बेन जल्दी सोचो। स्टीम, स्टील और सही लाइन में लगे गियर्स की इस मास्टरपीस के आगे तुम्हारी एलियन पावर्स कुछ भी नहीं। सही लाइन में लगी गियर्स, हाँ? जीमी, अतीत के बारे में एक चीज मैं जानता हूँ, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये क्या कर रहे हो? अपने डायमंड्स को मेरे क्रैंक शाफ्ट से दूर रखो। जरा सोचने दो। नहीं। तुम बहुत बुरे हो टेनिसन। ये पूरी तरह हार गया ना? इस बार तुम शायद जीत गए टेनिसन, लेकिन उस दिन को याद करके पछताओगे जब मुझसे दुश्मनी मोल ली थी। स्टीम का जमाना वापस आकर। ये क्या बड़बड़ा रहा है? लगता नहीं कुछ खास होगा। उम्मीद है स्टीम स्माइट ने आज अपना सबक सीख लिया होगा। हाँ, मेरे पास सिर्फ एलियन रूप नहीं है, उससे ज्यादा है। मैं बहुत तेज दिमाग वाला हूँ। बेन, इस सारी गंदगी का क्या जो तुमने फैलाई है? ओ ग्वेन, याद है ना, मेरे तजुर्बे से ये चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। लेग्स एंगी, काफी मुश्किल नाम है ये। लज़ानिया? मेरा नाम है लक्रांज। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये हारने पर रोता तो नहीं है ना? क्योंकि इस ट्रेन को रिकॉर्ड बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे रास्ते से हट जाओ। ये क्या आफत है? तुम बच्चे वहाँ ठीक हो ना? हम ठीक है ग्रैंडपा। ठीक से भी बेहतर, ठीक से बहुत ही ज्यादा बेहतर। मुझे ना वो लग्रांज की गाड़ी जैसे लगी। अब समझ में आया, वो नहीं चाहता कि ट्रेन उसका रिकॉर्ड तोड़े, तो इसका मतलब चलो रेस लगाते हैं। सोचना भी मत। सही कहा, रस बकेट सच में बहुत स्लो है, लेकिन मेरा कूल ब्लू एलियन स्लो नहीं है। रस बकेट के इंसल्ट पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, पर हमें ये ध्यान जरूर रखना होगा कि लग्रांज किसी को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, उसे रोकने के लिए रेस तो करनी होगी, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बोनस समझ लो। उन्हें लगता है वो ट्रेन तेज है, पहले जरा मेरी स्पीड तो देखो। बेन, आखिरी बार कहती हूँ, तुम कोई गाड़ी नहीं हो। पहिए। वैसे भी ये ट्रेन बेहद तेज है, मुझे नहीं लगता। और वो चला गया, हमेशा ऐसा करता है। अब मैं उस पर तवज्जो नहीं देता। हे न्यूज़ वालों का चॉपर, लगता है मेरी जीत के जश्न में काफी लोग शामिल होंगे। देखते हैं इस रेस से कौन टक्कर ले सकता है। ब्रेकिंग न्यूज कैरल, रॉकेट लाइनर की तरफ से एक तेज तर्रार ड्राइवर के आगे बढ़ने की खबरें आ रही हैं। लगता है उसे अब तक ये नहीं पता कि वो दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। मैं हूँ दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, मतलब ड्राइवर। ये घटिया सी गाड़ी सच में मुझसे तेज भाग रही है, लेकिन कैसे? तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन मैंने तो बस शुरुआत की है। किस चीज की शुरुआत? हारने की? टेनिसन, पहली वो मेटल का डिब्बा मेरा टाइटल छीनने की कोशिश कर रहा है, अब तुम तो मेरे रास्ते में मत आओ। तुम्हारा मतलब मेरा टाइटल? वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मेरा होगा, पहले मैं तुम्हें तो हरा दूँ। उस गाड़ी के साथ कछुए कहीं के। रास्ते से हट जाओ। कितना डरपोक है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं होती। तुम बस एक सरदर्द हो, लेकिन ये ट्रेन, उसे मेरा टाइटल नहीं मिलेगा अगर वो दो टुकड़ों में बट जाए। क्या ये लेजर कैनन है? ये आदमी पागल है, उसका खिलौना छीनना पड़ेगा। वो बहुत महंगा था। मेरा तो नहीं था। तरीका बदलने का वक्त आ गया है। सिर्फ जीतने के लिए तुम इतने सारे लोगों को खतरे में डाल रहे हो? जीतना ही सब कुछ होता है। नंबर वन रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब नंबर टू बनने की आदत डाल लो। हाँ, तुम ना मुझे रोक सकते हो, ना लोगों को बचा सकते हो। अच्छा,
देखो मुझे। क्या वो मिसाइल्स ट्रेन में मौजूद हैं? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो आप जो देख रहे हैं वो पटाखे नहीं है। हाँ, जिन्होंने अभी चैनल ऑन किए हैं, ये म्यूटेंट रोड रनर जैसी दिखने वाली चीज अब रॉकेट लाइनर एक्सप्रेस में से विस्फोटक निकालने की फिराक में है। मामला सीरियस हो गया है, कोई तरीका है जिससे हम उन तक पहुँचे? ये पीछे वाले रास्ते किस दिन काम आएंगे? अब सारे खत्म हो गए, आप लूंगा उस चीतर का टाइटल। चलो। ओह, लगता है तुम्हारी गैस खत्म हो गई है टेनिसन। सोचता हूँ तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। छुप कर जा रहे हो, मेरे ख्याल से ये तुम्हारा स्टॉप है। इसके मुताबिक बेन और ट्रेन है वहाँ पर। एक सेकेंड,